आगरा के अखनेरा नगर पालिका पार्ट की बैठक में जमकर हुआ हंगामा व केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए जमीन का हुआ प्रस्ताव, विद्युत और पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए भी हुआ प्रस्ताव। अखनेरा पालिका बोर्ड की बैठक गुरुवार को आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने की। संचालन जलकल के अवर अभियंता ललित राज शर्मा ने की। बोर्ड की परीक्षा में कचोरा रोड पर पालिका की 12 बीघा भूमि में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के जमीन का अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव पारित हुआ। वहीं नगर की विद्युत और पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए भी प्रस्ताव पारित किया गया। पालिका बोर्ड की बैठक के दौरान असंतुष्ट सभासदों ने पालिका की आय का ब्यौरा अटल पर पेश करने के लिए हंगामा किया। इस दौरान असंतुष्ट सभासदों पालिका अध्यक्ष के बीच वाद-विवाद की स्थिति भी पैदा हो गई। बैठक में सांसद प्रतिनिधि डॉक्टर रमेश्वर सिंह पैदल सदस्य के रूप में उपस्थित रहे। वही उप जिलाधिकारी प्रभारी अधिकारी गरिमा सिंह भी बैठक में मौजूद रही। अखनेरा पालिका बोर्ड की उक्त बैठक 11 महापंचायत हो चुकी है। गुरुवार को आयोजित बैठक में पालिका अध्यक्ष ने सभासदों से विकास कार्य संबंधी प्रस्ताव मांगे। इस दौरान कुछ असंतुष्ट सभासदों ने पालिका की आय के ब्यौरे की मांग करते हुए हंगामा किया। सांसद प्रतिनिधि डॉक्टर रमेश्वर सिंह ने कचोरा रोड पर स्थित गांठ संख्या 252 की 12 बीघा भूमि पर केंद्रीय विद्यालय के निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। वहीं 200 लाइटें नई और 100 लाइटों की मरम्मत सहित 50 नए हैंडपंप और 50 हैंडपंपों की मरम्मत का सामान खरीदने के लिए भी प्रस्ताव पास किया गया। अगली बैठक 29 नवंबर को करने का प्रस्ताव किया गया है। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कार्य नहीं हो रहा हमारे, मतलब कुछ नहीं। आज जो बोर्ड की मीटिंग, आज भी कोई प्रस्ताव नहीं हुआ? नहीं नहीं। क्या आज हंगामेदार जो मीटिंग हुई है, क्या हुआ आज? कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? नहीं। क्या एक प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कोई दलाली को लेकर, इन चीजों को लेकर क्या कहना है? कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा है। कोई आज एक साल करीब हो गया है, नहीं दीपावली पे भी अंधेरा रहा, लाइट की व्यवस्था नहीं हुई, कोई सुनवाई, कोई सुनवाई नहीं है। किस बार से हो आप? वार्ड नंबर 24 से। क्या नाम है आपका? ममता प्याला। नगर पालिका में बोर्ड की मीटिंग हुई है हंगामेदार, क्या हुआ सर? नहीं देखिए, अखनेरा बोर्ड की बैठक बड़े अरसे बाद एक अच्छे माहौल में शुरुआत हुई उसकी, और उसमें सबसे पहले जो प्रस्ताव रखा गया केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के संबंध में, तो माननीय सांसद चौधरी बाबूलाल जी के प्रस्ताव पर उस पर सर्वसहमति से पूरे बोर्ड ने सहमति दी है, और उसका प्रस्ताव बोर्ड की सहमति से जाएगा डीआईएस के पास, जिलाधिकारी जी के पास, और वहाँ से वो भारत सरकार को चला जाएगा। दूसरा, एक जो केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ एक 220 केवीए सब स्टेशन और 132 केवीए सब स्टेशन जो अखनेरा में बनाया जाना है, उसके लिए भी जमीन के प्रस्ताव के लिए बात हुई है, और उस पर भी बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है सर्वसम्मति से, तो वो प्रस्ताव भी, और बाकी सभासदों ने सबने जो प्रस्ताव दिए उनको, उनके ऊपर एसडीएम और चेयरमैन साहब को निर्णय करके प्रस्ताव लिखे जाने, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। अब तक सभासद और चेयरमैन साहब बैठने को राजी नहीं थे, एक अच्छी बात है कि वो सामने बैठे हैं और एक अखनेरा के विकास के लिए नए आयाम स्थापित होंगे। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? चौधरी योगेंद्र सिंह। अच्छा, सभासद जी, किस वार्ड से हो? वार्ड नंबर 24। आज बोर्ड की मीटिंग में क्या हुआ है? आज बोर्ड की मीटिंग में विरोध हुआ है और हम लोगों को दबाया गया है एसडीएम साहब की तरफ से भी और सांसद साहब की तरफ से भी, और चेयरमैन साहब ने कोई भी जो है जवाब नहीं दिया हमको। हजारों सवाल हुए, हमने चर्चा की, आए पर करोड़ों रुपये घोटाला हुआ है, वो जवाब नहीं दिया हमको, धमकाया गया और हमको मर्जन बाहर निकाले, धमकी दी। क्या धमकी दी है? क्या मर्जन को बाहर निकालो वहाँ से, गुंडे हैं, दलाल हैं। किनने कहा है? चेयरमैन साहब ने कहा। फिर आप लोगों का क्या कहना? जी आप लोगों का क्या कहना है? हम तो सब विरोध में है, बिल्कुल मीटिंग नहीं है हमारे। पैसा जनता के लिए लगाया जाए, जनता का पैसा है, जनता पक्ष में लगाया नहीं गया, हमने उसको जवाब मांगा, कुछ जवाब नहीं दिया गया, संतुष्ट जवाब। क्या मीटिंग का आपने बहिष्कार कर दिया? कर दिया था। क्या इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं? हम बिल्कुल, अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम दो दिन के भीतर हम इस्तीफा देंगे, कमिश्नर साहब को भी, लखनऊ में। क्या नाम है आपका? चौधरी योगेंद्र सिंह। चेयरमैन साहब, आज जो बोर्ड की मीटिंग हुई है, क्या क्या प्रस्ताव हुए हैं इसमें? प्रस्ताव जो नए हैंडपंप खरीदे जाने हैं और सामान खरीदे जाना है, लाइट का सामान खरीदने के लिए प्रस्ताव हुआ है, नई लाइट खरीदने के लिए प्रस्ताव हुआ है। कितनी लाइट है, कितने रिपेयरिंग की है? लगभग
100 लाइट का सामान है एग्जैक्ट, मुझे मतलब 200 लाइट की रिपेयरिंग का सामान है और हैंडपम्प का सामान। कुछ इसके अलावा और कोई केंद्रीय विद्यालय का, जैसे बिजली विद्यालय का प्रस्ताव पास हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, और सब स्टेशन का प्रस्ताव जो यहाँ लगने हैं, सब स्टेशन का प्रस्ताव पास हुआ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, और फिर 7 दिन बाद बैठक होगी, बाकी के प्रस्ताव बैठक में। जैसे सभासद आरोपित लगा रहे हैं, क्या कहना है इस पर आपको? नहीं, सभासद तो ये तो राजनीति में थोड़ा बहुत है, कोई ऐसा आरोप नहीं। आज हंगामेदार हुई? नहीं, कोई हंगामेदार नहीं है, ये तो सब एक हिस्सा है उसका। आज जो बोर्ड की मीटिंग हुई है, क्या हुआ उसमें? उसमें सभासदों को धमकियां दी जा रही हैं, चुप कराया जा रहा है, अपना विरोध हम दर्ज कर रहे हैं, हमें दबाया जा रहा है सत्ता के दम पे। आज विधायक जी, आज मीटिंग में सांसद जी, विधायक जी, सब लोग आए हुए हैं, हमें हर बात पे चुप कराया जा रहा है। हम जो भी बात उठा रहे हैं नगर पालिका में, चाहे वो निर्माण की हो, सीवर की हो, पानी की व्यवस्था हो, सप्लाई की हो, क्योंकि अभी यहाँ पे चेयरमैन महोदय ने जो एक लेबर ठेका चल रहा है उसमें बिना बोर्ड की परमिशन के चल रहा है 1 साल से, जबकि चेयरमैन महोदय को कोई अधिकार नहीं है, कोई अपना विवेक अधिकार नहीं है कि वो 1 साल तक लेबर ठेका चला सके, मगर वो तानाशाह रवैया अपनाते हुए जिसको चाहे उसमें लेबर में लगा लेते हैं, जिसको चाहे हटा देते हैं। लाखों रुपए का पेमेंट बगैर बोर्ड की मर्जी से हो रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमने सभी लोगों को अवगत करा दिया है। हम इसका बहिष्कार करते हैं मीटिंग का, हम मीटिंग का बहिष्कार करते हैं। मेरा नाम असलम कुरैशी है, मैं सभासद हूँ इस नगर पालिका से तीसरी बार। आज बोर्ड की मीटिंग में क्या क्या हुआ, कितने प्रस्ताव हुए? आज बोर्ड की बैठक में 4 प्रस्ताव हुए, और बाकी बोर्ड की बैठक अब 29 तारीख को दोबारा होगी। अभी जो रेगुलर जरूरी चीज़ें थी उनको बोर्ड बैठक में उसको ले लिया गया है, बाकी जो निर्माण से संबंधित कार्य हैं वो 29 की बैठक में उसको उन सभी वार्ड मेंबरों से उनके वार्ड के विकास से संबंधित कार्यों को लेकर प्रस्ताव उससे निपटित किया जाएगा। कुछ मेंबरों ने हंगामा किया है किसी? सभी सदन में लगभग हंगामा होता है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे काफ़ी विरोध की स्थिति थी, धीरे धीरे स्थिति में सुधार होने की संभावना है, आगे है देखते हैं। कई महिला सभासदों ने चेयरमैन साहब पर एक इज्जत को लेकर सवाल उठाया था, उसको लेकर क्या कहना आपको? इसके बारे में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है, ये व्यक्तिगत वो था। नहीं, सदन में सवाल उठाना महिला इज्जत को लेकर बड़ी बात हो जाती है। सदन में महिला इज्जत को लेकर नहीं, उनका आपस में कुछ कहा सुने था, इज्जत से संबंधित कोई उसमें तथ्य नहीं थे, जिसको जो है अध्यक्ष जी और सभासद अध्यक्ष जी ने उस संबंध में माफ़ी भी मांगी अगर कुछ उन्होंने कुछ गलत कहा। मैडम, प्रस्ताव में जैसे क्या क्या चीज़ हुई है? प्रस्ताव में बिजली का किया गया है, पानी का किया गया है, और डस्टबिन का किया गया है, प्रस्ताव किया है। इसके अलावा कोई प्रस्ताव किया जैसे केंद्रीय विद्यालय? हाँ, केंद्रीय विद्यालय का भी। बिजली 220 के भी का? नहीं, बिजली का अभी चूंकि लैंड क्लियर नहीं थी, इस वजह से अभी उसका प्रस्ताव नहीं हो पाया, अगली 29 की बैठक में उसका प्रस्ताव कराया जाएगा।